की दाल और ऐसा नजारा आपको पूरे इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान फीक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद। और हम कहाँ से आ रहे हैं कबीर भाई? इस टाइम हम आ रहे हैं F11 से। हम घूमते घूमते आ रहे हैं। इधर रास्ते में जो है बहुत ही होटल वगैरह खाने के जो है रेस्टोरेंट मिले थे, वहाँ से हमने नहीं खाया। वहाँ से घूमते घूमते आए, थोड़ा सा घूमे हैं तो शिद्दत भूख लगी है। तो यहाँ पर एक अंकल से पूछा, यार यहाँ पर कोई हल्का फुल्का खाने वाला, यार जहाँ पर हमारा पेट भर जाए, कोई रेस्टोरेंट है? वो कह रहे थे कि यार रेस्टोरेंट तो नहीं है, नीचे जो है ढाबा है, वहाँ पर जाकर खा लो। इसका जो है कोई नाम वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग काफ़ी लोग जो है ना मजदूर वगैरह आकर खाते हैं और अपना पेट भर के जाते हैं। आज हम भी ये टेस्ट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर जो है ना ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर एसी से ज़्यादा ठंडी हवा इधर मिल रही है। ये दरख्तों पौधों की जो है ना फूल है यार। अब रोटी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका किस तरह का जायका है। दाल काफ़ी हैवी किस्म की नज़र आ रही है। अंत है रायते के साथ जबरदस्त यार। इस तरह की जगह पे जो आप इतने अच्छी दाल मिले और क्या चाहिए यार, वो भी इस्लामाबाद में। क्या बात यार। कसमें सुपर तो भी होते हैं ये तो। ये है इनका तंदूर का एरिया, जहाँ पर जो है ये आटा वगैरह गूंथते हैं और उसके साथ साथ रोटियाँ बनाते हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप था। हम थोड़ा लेट हो गए थे यहाँ पर आकर। चार ही अंकल ने तीन रोटियाँ, चार रोटियाँ हमें बना के दी हैं जो कि हमने खाई हैं। और काफ़ी हैवी किस्म का छुप के ये जगह मौजूद है। और यहाँ पर अंकल कह रहे हैं कि जिन बहुत ज़्यादा लोग जो है इधर खाने आते हैं। और सामने जो है सीटिंग एरिया, वो भी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो है इनका सीटिंग एरिया, चारपाई रखी हुई है और जिस बंदे ने बैठकर खाकर जाना है वो सामने बैठे और चल जाए, और जिसने लेटना है वो चारपाई पर लेट भी सकता है। काफ़ी अच्छी जगह है। और इधर भी वही सीन है, बैठकर खाने वाला या लेटने का भी सीन है। सामने जो है 7 ब्लू एरिया ये, ठीक है, ग्रीन बेल्ट में NIC के पार्किंग में। इधर अंकल जी जिसको मर्जी पूछ लिए कि ताड़ा ढाबे का नहीं, सरकारी CNG स्टेशन है नाजमुद्दीन रोड पे, उसकी बैक साइड पे। उसकी बैक साइड पे ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है चाय भी लगाई हुई है। अभी अंकल आपके पास कौन कौन सी डिशेज आप लगाते हैं खाने? चने, दाल चना, सब्जी और आलू गोश्त। आलू गोश्त बस ये लगाते हैं। और साथ चाय डेली होती है, साथ बिस्किट होते हैं। इनकी आपको लोकेशन भी बता देने हैं, F7 नाजमुद्दीन रोड और सरकारी CNG स्टेशन की बैक साइड पे है। और वहाँ पर आकर खुफिया किस्म का इनका जो है ये ढाबा है। आप यहाँ पर आकर जरूर टेस्ट करें। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि इस्लामाबाद की इस जगह पर इतनी हैवी दाल मिल रही है और आप नहीं टेस्ट करें। यार ऐसा हो ही नहीं सकता, आप भी आए आकर टेस्ट करें, मुझे तो मज़ा आया यहाँ पर। और हमने जो दाल करवाई थी उसका रेट जो है 90 रुपये का था, 90 रुपये है, जिसके साथ जो है मैं फुल हो गया हूँ।
हैवी मज़ा आया। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह आपको पूरे इस्लामाबाद में नहीं कहीं मिलने वाला एड्रेस नीचे दे दिया, यहाँ पर आकर ज़रूर टेस्ट करें।